चलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज राजस्थान के समुचे पंजाबियों पंजाबी तो प्यार करने वाले वीर लख लख मुबारक। जिस तरह तुहानू पता है कि पिछले समय में एक गिणी मिथी सोची समझी साजिश के तहत राजस्थान के स्कूलों में पंजाबी खत्म करने की कोई चाल चली जा रही थी। जिथे स्कूल 80-90% बच्चे पंजाबी पढ़ना चाहते हैं धक्के नाले उन्होंने दूजी भाषा पढ़ाई जा रही थी ताकि ये अपने पंजाबी विरसे तो लांभे हो सकन। सियाने कहते भी जिहड़ी कौम अपनी बोली अपनी भाषा भुल जाण ओह कौम वजूद गवा बैठदी है। इसे लूंबड़ चाल के तहत स्कूलों पंजाबी खत्म करने की कोई चाल चली जिदे वजो सिख जथेबंदियों ने बड़ा वड्डा एक हमला मारिया राजस्थान सरकार तक जिला कलैक्टर तक ते शिक्षा विभाग नूं वार्न कीता कि अपनियां कोझियां चालां तों बाज आओ जिहड़ी भाषा जिहड़ी बोली जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हों पढ़ाओ जिहड़ा पढ़ना संस्कृत उन्हों संस्कृत पढ़ाओ जिहड़ा पंजाबी पंजाबी पढ़ाओ। जे धक्के नाले भाषा थोपोंगे तो वह तुहाडे लई घातक होगी। असीं धन्नवाद करा राजस्थान सरकार का जिला कलैक्टर का जिन्होंने सिख भावनाओं का ख्याल रखिया। तो अज जिहड़ी लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट में 45 के करीब स्कूलों में पंजाबी लागू हो गई है। इस गल की असी समुचे पंजाब पंजाबी तो प्यार करने वाले बधाई देते हैं तो धन्यवाद करते हैं कि थोड़े हिम्मत के उपराले अज फिर स्कूलों पंजाबी लागू होगी। पर सच करके जाने ये लड़ाई हजे अधूरी है। ये मारू हमले लगातार जारी रहेंगे। सानू सचेत होना पैना है। तुहानू लगता है कि कितने भी वधीकी हो रही है तुरंत जथेबंद संपर्क करो आप ही हमला मारो ताकि इन्हां हमला मारू हमलों को ठल पाई जा सके। सो 45 स्कूलों में पंजाबी लागू होने से समुचिया जथेबंदियों वालों सारी संगतों को लख लख बधाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।